खबर बागपत के छपरौली क्षेत्र के गांव शबका से है, जहां राष्ट्रीय स्कूल खेलों में कबड्डी की विजेता खिलाड़ी साक्षी का हुआ जोरदार स्वागत। क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने साक्षी को दी हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में कुमारी साक्षी ने कबड्डी में तृतीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि 16 से 20 नवंबर तक गेंडबरा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में चल रही इस प्रतियोगिता में सभी प्रदेशों के स्कूल से संबंधित खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बड़ौत 12वीं की छात्रा कुमारी साक्षी लश्करी सुपुत्री वीरेंद्र लश्करी को अंडर 17 कबड्डी में अच्छा प्रदर्शन और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रतियोगिता आयोजक समिति पदाधिकारी और अधिकारियों ने ट्रॉफी ब्रॉन्ज मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मेडल लेकर अपने गांव पहुंची विजेता कुमारी साक्षी का डीजे के साथ मार्च करते हुए शॉल और फूल मालाएं पहनाकर गांव में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं हूं आरआरटी उपाध्याय। इस वक्त है हमारे साथ साक्षी। हमारे साथ नेशनल गेम महाराष्ट्र में जो स्कूल नेशनल गेम थी वो खेल के आई है कबड्डी में, और इसको तृतीय स्थान प्राप्त किया है। साक्षी, आपको आपको उत्साहवर्धन किया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? अपने माता पिता को। अच्छा, तृतीय स्थान आपको प्राप्त हुआ है, वर्तमान द्वितीय से पूछ चुके हैं, कहना तो आपके मन में असर रहे हैं, क्या कैसा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और इसके बारे में जो आपने जो बेटियाँ हैं जो युवा है उनके कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या सर्विस? मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सभी को पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। नशे के बारे में क्या कहना है? नशा तो पूरी चीज है, नशा नहीं करना चाहिए, नशे से नशा बेकार करता है। इसके बाद हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं, और एक उत्साहवर्धन है, एक अच्छा मैसेज साक्षी ने लोगों को दिया है कि नशे से दूर रहकर के बच्चों को पढ़ाई और गेम दोनों की तरफ अग्रसर होकर के और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।